आज वृंदावन की धरती को छोड़ देता है। गगरिया रखी हुई है, भगवान की झांकी बंद है, अब लीला के दर्शन करेंगे। जनेबी दान देना है वो डालते रहेंगे और आरती आएगी, भगवान की आरती में अपना सहयोग करेंगे। श्री राम बोली बाकी बिहारी लाल की जय। अब आइए लीला में प्रवेश करें, भगवान की बड़ी सुंदर लीला उसका दर्शन करें। भगवान की आज बाल लीला है, एक तरीके से भगवान अपने सखाओं के साथ में खेलने जाते हैं और खेलते खेलते ही दुष्ट कालिया नाम को सबक को सिखाते हैं। आइए दर्शन करेंगे हम लोग। शुभ हो रही है कृष्ण कथा, महिमा पुरानी कथानी, महिमा पुरानी कथानी, प्यास की बानी सावधान घोड़ी कमान, पराजु कंस का दरबार खुल चुका है। कोई काल की उन्नति सुकल पाप पीछे, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज कंस की, महाराज कंस की। सहनशाही जा अपना आली दिमाग हो, तेरे नाम का दुनिया में रोशन बलतेज भी घटाया उस सुरपत सुरेश का, राज्य हमेशा कायम रहे मथुरा महाराज। जय शंकर की, जय शंकर की सेवक। कर्पूर गौरम करना तारम, संसार सारम भुजगेन्द्रम, सदा वो संतम हृदयाल बिंदे, भगम भवामी सहतम तमाम। राजेन्द्रय त्रिलोचनाय भस्मराय महेश्वराय नित्याय सुत्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमस्कार। बोलिए शंकर भगवान की। सुनाओ सेवक हमारी राज की कुशलता सुनाओ। महाराज ये खुशी है प्रजा की नहीं, कोई छरपंद है, जिधर उधर देखता हूँ महाराज आनंदी आनंद है। आपकी कृपा से हर घर में आबादानी, सिंह और बकरी पीते महाराज एक घाट पर पानी। महाराज आपके राज में सब कुशल मंगल रहे, कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए, परंतु हम ये क्या देख रहे हैं, मिर्गा मन कुरंजन मिर्गा मन बसर है, सभी महाशय उपस्थित है मगर दीवान की कसर है। हमारे इस दरबार में राजमंत्री बीज मंत्री खाद्य मंत्री सेनापति सब हाजिर है मगर दीवान नजर नहीं आ रहा है। महाराज दरबार में दीवान जी तो लेट नहीं आते हैं, सुख जाओ बुला कर लाओ, दीवान को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। दीवान जी का पधारना हो, दरबार के लिए नहीं चलना है क्या? कहाँ बर्बाद नहीं होना है? नहीं बर्बाद नहीं, और दरबार दरबार का समय हो गया। हाँ ओहो, हमारे घड़ा में 9:45 हो चुका है। अरे 9:45 बज गए। 9:45 बज गए। हाँ ठीक है, तो चल तू नहीं मानता तो हम चलते हैं। चलो परंतु ऐसे नहीं चलेंगे, और कुछ गाते बजाते चलेंगे। सुनाइए। हाँ तो ब्याजी आप हमें घुसोगे या हम तुम में घुसे?
उसकी आवश्यकता ही ना पड़े ऐसा कुछ कर लो। ठीक है तो लगाओ गाओ। लगाओ गाओ। अच्छा गाना पड़ेगा लगाओ। इस सुर को नहीं जानते? नहीं। ये है बेटे भैंसा सुर। भैंसा सुर? हाँ। ये कब लगाया जाता है? रात्रि के 12 बजे जब आदमी सोता रहता है, मर जाता है, तब लगाता है। हेलो हेलो आंटी जी। अरे वो बाबा चश्मा वाले बाबा लगाओ। धिनक धिनक पहले अपनी नाक से निकले। हाँ तो क्या बताएं यार, हम अपनी घरवाली से बहुत परेशान हैं। कैसे? पूरी दुनिया ही परेशान है। दुनिया ही परेशान है भैया। अपनी मेहरारू से तुम भी परेशान हो क्या? कहते हैं जितने बैठे हैं सब बेचारे कम के मारे बैठे। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। उसके बचे सावन के टुकड़े मैं उनसे नहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। तो क्या हो गया तुम्हारे साथ? अरे सुनो, बहुत बड़ी घटना हो गई। क्या हो गया? और क्या सुनाए, और क्या सुनाए तुमको यारो, घरवाली का हाल किसी से मत कहना। और क्या सुनाए तुमको यारो, घरवाली का हाल किसी से मत कहना।
पीछे हैं भाइयों और मेरे शहर के हलवाइयों, सामने वाले बार बनाने वाले नाइयों और मेरी प्यारी प्यारी भौजाइयों, जरा गौर से देखने क्या महाराज हमारे पीछे हैं क्या? अरे यहाँ पर नहीं महाराज, अबे मेरे पीछे तो कोई नहीं है। अरे पीछे नहीं और ऊपर सिंहासन पे बैठे हुए हैं, हमारी उंगली की तरफ देखना। ऊपर क्या कर रहे हैं महाराज? सिंहासन पे ऊपर बैठे। सिंहासन कहाँ है? ऊपर। ऊपर कहाँ है? हमारी उंगली की तरफ देखना। उंगली चल देखा, ये देखो महाराज है या यमराज? अरे ऐसे मत बोल। महाराज की आंखें तो देखो जैसे ट्रैक्टर की हेडलाइट। महाराज 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 जय शंकर की। जय शंकर की दीवान। इतना विलंब कैसे हो जाता है? दरबार में सही समय से नहीं आता है। दीवान हुआ तू दीवाना, बस खाता पीता सोता है, तुझे ये मालूम नहीं इस मथुरा में क्या होता है। मथुरा में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खामोश, किधर है खरगोश? है मूर्ख कहीं का, यही का है दीवान के बच्चे, मेरे 45 बच्चे। ये बता दरबार में इतना देरी आने का कारण? महाराज देरी का कारण है क्या? मैं वहाँ से चला अपने कमरे से घर से, तो रास्ते में मुझे पानी प्यास लगने लगी, मेरा गला सूखने लगा, तो मैं हेडपंप के पास आया तो मैंने क्या देखा कि वहाँ दो व्यक्ति खड़े थे। मैंने उनसे कहा, एक से, भाई जरा ये नल चला दो मैं पानी पी लूंगा। उन्होंने कहा, नहीं हम नल नहीं चलाएंगे, हम अपने घर के साहबजादे हैं। मैंने कहा, वाह बेटे साहबजादे। हमने दूसरे से कहा, भाई थोड़ा नल चला दो हम पानी पी ले। उसने कहा, हम भी नल नहीं चलाएंगे, हम अपने घर के नवाबजादे हैं। मैंने कहा, अच्छा। उन्होंने सलाह की, भाई क्यों नहीं इस मोटे से नल चलवाया जाए, मेरी कह रहे थे। तो मैंने भी कह दिया, मैं बेटे तुम अपने घर के नवाबजादे हो और तुम अपने घर के साहबजादे हो, तो बेटे हम भी पक्के हरामजादे नल चलाएंगे। क्या कहा दीवान? तू भी पक्का हरामजादा है, नल तूने भी नहीं चलाया? अरे दीवान आओ आसन ग्रहण करो। आज हमारे दरबार के सामने उस सुरतपुरी का सिंहासन भी ठीका लग रहा है। क्या सभा खुली है शानदार, मथुरा फूलों से छाई है, हर ओर खुशी के नगमे हैं, नभ में बजती सहनाई है। आओ बैठो मंत्रियों संदेश सुनो। एक दूत ने मुझे बताया है, उस नंद गोप के बच्चे ने ब्रज दंगा बहुत मचाया है। यमुना स्नान करने जाती गोपिया ले चीर कदम चढ़ जाता है, निर्लज्ज काम करता फिर उपदेश वेद का जाता है। सेवको इस समय सभी गोपिकाएं यमुना स्नान करने के लिए जाती है। वो ग्वालिया गवार कृष्ण उनके वस्त्रों को लेकर के कदम के ऊपर चढ़ जाता है और गोपियाओं से कहने लगता है, आ गोपियों अपने वस्त्रों को ले जाओ, धिक्कार है कृष्ण तेरे लिए, धिक्कार है, अपने आप को स्वयं ब्रह्म बताता है। ये गद्दारी, ये जो भी कुछ हम देख रहे हैं हमारे योद्धाओं की है, ये अपना ठीक समय से कार्य नहीं कर पाते। आज से मेरा तुम्हारे लिए हुक्म है, जाओ पलट दो सारा वृंदावन,
मत सुनो उनके भक्तों की, भला से दूसरी नदियां वहां उनके रक्तों की, मिटेंगे कीट पशु पक्षी श्री बन के, तभी अरमान पूरे होंगे मथुरेश के बन के। हम यहां से कोई भी योद्धा भेजते उसे वो खेल ही खेल में समाप्त कर डालते। ऐसे यदि होता रहा तो हमारी इस मथुरापुरी में कोई भी योद्धा नहीं बचेगा, कोई वीर नहीं बचेगा। मैं जान गया तुम भक्त हो केवल भोजन के, तन पर कसा लंगोटा है, तुम वीर नहीं हो मथुरा के, बस इसी बात का तुम आए, तुम वीर नहीं हो शायद मथुरा के। आप जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा वीर हूँ। कितना बड़ा वीर है रे, काल बेचारा थर थड़ कांपे। आप जानते नहीं हो अभी मुझे काल बेचारा थर थड़ कांपे जब मैं आंख दिखाता हूँ, काल बेचारा थड़थड़ कांपे जब मैं आंख दिखाता हूँ, वक्त पड़ता है लड़ाई का तो घर को भाग जाता हूँ। अरे दीवान हर समय कायर तरह की बात ही करता रहता है, यदि आज उस काल की इंद्र उसाय करे तो धरनी पे पटक हुआ की भुजन को मरोड़ो, भैरव भवानी सब भवक उठे, सबन को समेट हुआ समुद्र माई मेरो, चंद्र कुबेर वरुण यदि ठोके ढाल तो पकड़ पकड़ खोपड़ी खरबूजे जैसी फेरूंगो। ये तो ना करो तो शपथ गुरु शंकर की है कि असुर जाति से मुख नहीं मोरूंगो। इतने बड़े वीर हो तुम, हम तो बहुत ही बड़े वीर हैं। ए बताओ इधर आओ, ए इधर आओ, कितने बड़े वीर हो बताओ महाराज। हाँ रुक गया तू बोल, पंजा मारूं जमीन में वापस पानी निकाल दूं, उन दोनों बच्चों की तो महाराज आंखें निकाल दूं। वाह बड़ा बलवान योद्धा है, ये मारेगा। ए बोना से, ए इधर आ बोना से, बहुत हंसता रहता है। महाराज जल को तल कर दू, उतार चांद सितारों को, सुरमे की भांति पीस डालू पृथ्वी और पहाड़ों को। अरे ये भी बड़ा पीर है। अरे जीवन तुम्हें ये नहीं मालूम, हमने अपनी भुजाओं की बल से विश्व विजय प्राप्त की है। हम अपनी भुजाओं से अपना विवाह करके लाए थे, एक समय की बात है, एक बार मेरे बल देखने को जला सिंध ने भेजे कोवलिया पीड़ करार है, आपी सोड़ बकर फैको दस योजन पर, देख महीपत ने जानो ये हाल है, ताई समय सुता जो मोकू बिहाई दीन, तहेज में दीनों वो कुंजोर करार है, देश विदेशन में मेरी पीड़ता को जिस छायो, सब चुर मिल के कहे कंस काल उनको। ऐसा कोई उपाय बताओ जो उन दोनों बच्चों को समाप्त कर डाले। महाराज जब जब आप पर कोई विपदा पड़ती है तो वही गुरुदेव आते हैं और उसका निवारण बताते हैं, आप गुरुदेव का ध्यान धरिए, हम डोड़ियों पर कचौड़ी खा रहे हैं। ठीक है जाओ, गुरुदेव के आने की प्रतीक्षा करो, हम ध्यान रख रहे हैं, सभा पर काज की जाए। देव ऋषि नारद जी हरे गुणगान करते हुए भेड़ा को बजाते हुए मथुरापुरी पहुंचते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण।
वृंदावन पहुंच गया। वहां जाकर के क्या देखा कि यमुना जी में काली देह नाम का एक स्थान है, काली देह। उस काली देह में रमण दीप से एक कालिया नाग आकर के अपना बसेरा बना रखा है। लेकिन वो नाग इतना विषैला है, इतना विषैला है कि उसके विष के प्रभाव से वहां का जल दूषित हो गया है। कोई पशु पक्षी उस जल को पीता है तो पीते के साथ में ही मर जाता है। अगर उस देह पर से उड़ता हुआ कोई पक्षी जाता है तो उस विष के प्रभाव से उस काली देह में डूब जाता है। क्या करना चाहिए, कैसे कालिया नाग का उद्धार होगा? क्या प्रभु के पास जाऊं? नहीं नहीं, प्रभु के पास नहीं, अब मुझे महाराजा कंस के दरबार में जाना चाहिए। कंस की मति को फेरूं ताकि वो काली देह से नील कमल के पुष्प मंगवाए, क्योंकि उसमें कमल के फूल जो खिले हुए हैं विष के प्रभाव से नीले पड़ गए हैं। तो पत्रिका लिख करके बाबा नंद के यहाँ भेजेगा और कृष्ण और बलराम बड़े हठीले हैं, वो दोनों पुष्प लेने के लिए जाएंगे और तभी जाकर के कालिया नाग का उद्धार होगा। तो चलना चाहिए कहाँ? मथुरा। हाँ, नारायण 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 पलटा नहीं कुछ पल।